हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स पाठशाला। आज हम लोग जेईई मेन 2022 में आया हुआ ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें अपना ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें इस लेफ्ट हैंड साइड को पूरा का पूरा साइन 10 डिग्री के टर्म में लीनियरली लिखना है। ठीक है, तो हम लोग करेंगे क्या कि ये जो पूरा एक्सप्रेशन अपने को दिख रहा है, इसमें सब चीज या तो साइन 10 डिग्री या फिर किसी नॉन एंगल के टर्म में लिखने की कोशिश करेंगे, तब जाके अपने को ये अल्फा कंपेयर कर लेंगे, अल्फा मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे कि आपको ये कई बार बोला गया होगा, जैसे देखो यहां पर साइन स्क्वायर 10 डिग्री है, तो अगर उसको मैं साइन 10 डिग्री एक अलग कर लूं, साइन 50 को सेपरेट कर लूं और साइन 70 को सेपरेट कर लूं, तो अगर इसको थीटा बोल रहे हैं, आप समझ गए होगे मैं क्या कहने वाला हूं। ये 60 माइनस थीटा है डिग्री में और ये 60 प्लस थीटा है। इसके लिए अपने पास एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा इज इक्वल टू 1/4 साइन 3 थीटा। थीटा 10 डिग्री है तो 3 थीटा 30 डिग्री होगा, एक नॉन एंगल के टर्म में कुछ पार्ट जो है अपना वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो किस फॉर्मूले की बात कर रहा हूं, अगेन इस फॉर्मूले की, साइन 60 माइनस थीटा साइन थीटा साइन 60 प्लस थीटा 1/4 साइन 3 थीटा होता है। तो अगेन हम लोग क्या करेंगे कि एक ये साइन 10, इसमें से साइन 50 और साइन 70 को हम लोग एक साथ क्लब कर लेंगे, तो वंस अगेन ये थीटा, ये 60 प्लस थीटा और ये 60 माइनस थीटा, तो ये पूरा मिलके बन जाएगा 1/4 साइन 3 थीटा। और अगेन 3 थीटा कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो नॉन एंगल हो या तो पूरी चीज या साइन 10, हम लोग यही काम करने वाले हैं। तो 30 डिग्री एक नॉन एंगल है, बढ़िया सी वैल्यू आएगी कितनी, 1/8। तो ये तो पूरा ब्रैकेट 1/8 बन गया, साइन 10 बचा, साइन 20 बचा और साइन 40 बचा। अब अगेन जैसा हम लोग ने शुरुआत में डिसाइड कर लिया था, हम लोग सब कुछ साइन 10 डिग्री के टर्म में लिखने की कोशिश करेंगे, तो अब हम लोग इस 20 डिग्री को भी क्या लिख लेंगे, 30 डिग्री माइनस 10 डिग्री, और इस 40 डिग्री को भी क्या लिख लेंगे, 30 डिग्री प्लस 10 डिग्री। ठीक, तो अगेन 10 डिग्री पिक्चर में आएगा। तो हम लोग ने यहां पे देखो कुछ ऐसा कर लिया। अब आपको फॉर्मूला पता है कि साइन ए माइनस बी इंटू साइन ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो हर बच्चे को बताओगे इसका फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इन दोनों पर यही सेम फॉर्मूला लगाएंगे, तो आ जाएगा साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 10 डिग्री। आई होप क्लियर होगा ये बात। ठीक, तो यही काम हम लोग ने कर लिया। अब अगेन साइन स्क्वायर 30 डिग्री जो है वो 1/2 का स्क्वायर यानी कि 1/4 हो जाएगा, और फिर हम लोग इस ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, तो हम लोग यहाँ पे पहुंच गए। तो देखो काफी हद तक तो अपना काम हो गया, हमें साइन 10 डिग्री भी मिल गया है, लेकिन यहां पर साइन क्यूब 10 डिग्री भी है, तो इसका क्या किया जाए। तो क्या कोई ऐसा फॉर्मूला है जिसमें साइन क्यूब थीटा आता हो, तो बिल्कुल एक ऐसा फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला कौन सा है, साइन 3 थीटा का। तो साइन 3 थीटा का अगर हम लोग फॉर्मूला बोलें तो होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो अगर आप यहां पे थीटा को हमें किसके लिए चाहिए, साइन क्यूब 10 डिग्री के, किसके टर्म में चाहिए, साइन 10 डिग्री के टर्म में चाहिए, हमें ये क्यूबिक पावर को पावर 1 मिलाना है, लीनियर मिलाना है। तो थीटा को अगर इस फॉर्मूले में मैं 10 रख दूं, तो यहां पे तो आ जाएगा साइन 30, क्योंकि हमें पता है अगेन यहां पे आ जाएगा 3 साइन 10 डिग्री और यहां पे आ जाएगा 4 साइन क्यूब 10 डिग्री। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, साइन 30 की वैल्यू हाफ होती है और साइन क्यूब 10 डिग्री की वैल्यू निकाल लेंगे, तो देखो ये हो जाएगा 4 साइन क्यूब 10 डिग्री इज इक्वल्स टू 3 साइन 10 डिग्री माइनस साइन 30, जो कि कितना हो जाएगा 1/2, और बस 4 को उठा के दूसरी साइड भेज देंगे, तो साइन क्यूब 10 डिग्री की फाइनली अपने को वैल्यू क्या मिल गई, वो अपने को मिल गई 1/4 और बाकी जो अंदर लिखा हुआ है 3 साइन 10 डिग्री माइनस का हाफ। ठीक है, तो अब इस साइन क्यूब 10 डिग्री की वैल्यू उठा के यहां पर रखेंगे, थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, आपको बड़े आराम से अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि अब पूरा एक्सप्रेशन साइन 10 डिग्री के टर्म में आ जाएगा। ठीक, तो देखते हैं,
तो मैंने क्या किया, देखो भाई 1/8 तो पहले से था, तो 1/4 और ये वाली वैल्यू जो है वो उठा के रख दी है, तो ये कुछ ऐसा आ गया। अब ये 32 ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, 1/32 था और ये 3/32 हो जाएगा, और 32 × 2 = 64 हो जाएगा। तो 1/32 − 3/32 यानी कि माइनस का 2/32 यानी कि माइनस का 1/16, तो ये फाइनली सिंप्लीफाई होके आ गया 1/64। ये लेफ्ट हैंड साइड हम लोग सिंप्लीफाई करके ले आए हैं, 1/64 माइनस 1/16 sin 10 डिग्री। और क्वेश्चन में जो RHS दे रखी है, या यही चीज बोल सकते हैं किसके बराबर दे रखी है, अल्फा प्लस या अल्फा माइनस 1/16 sin 10 डिग्री के बराबर दे रखी है। तो सिंपली कंपेयर करके भैया अपने को अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी 1/64। बाकी क्वेश्चन ने हमसे पूछा क्या है, क्वेश्चन ने जो फाइनल वैल्यू हमसे पूछी वो पूछी अल्फा की पावर −1 + 16 की। ठीक, तो अल्फा की पावर −1 हो गया 64 और +16 यानी कि आंसर अपना कितना आ गया, 80 आ गया। तो क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं था, आपको ये तो ध्यान रखना ही है कि ये साइन थीटा, sin 60 − θ, sin 60 + θ, ये जेईई मेन में कई बार यूज होता है। और बाकी जो हमारी पूरी थीम थी क्वेश्चन की वो यही थी कि हम हर चीज को या तो कोई नोन एंगल या फिर sin 10 डिग्री के टर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। तो आई होप ये सोल्यूशन क्लियर होगा आपको। थैंक यू वेरी मच।